IQ Neo 7 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड टेक्निकली इसको बोला जा रहा है ये IQ Neo 6 का सक्सेसर है, बट आई वुड से डोंट बाय IQ Neo 7 ओवर IQ Neo 6। आई नो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट मैंने बहुत ही ब्लंटली यहाँ पर दे दिया है, बट हवा हवा में बातें नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने IQ Neo 7 को खुद परचेज किया है यहाँ पर इसकी फर्स्ट सेल में, और आपको भी पता है कि IQ Neo 6 तो मेरे पास जब से लॉन्च हुआ है तब से खरीदा हुआ, अभी तक भी रखा हुआ है, और आज के टाइम पर मैं इन दोनों फ़ोन को कंपेयर करके इस कंक्लूजन पर पहुँची हूँ कि नहीं, इस फ़ोन को ख़रीदने की ज़रूरत है। और जो भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, डोंट वरी, मैं इसको कुछ 5 पॉइंट्स में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्यों ये फ़ोन आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यहाँ पर ये है कि जब IQ Neo 6 आया था ना, अच्छा स्मार्टफोन था, बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ जगह पर थोड़ी कमियाबी थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद फ़ोन में अपडेट्स के साथ या फिर जब इसका नया सक्सेसर आएगा तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। अभी इसका सक्सेसर आ गया है, बट कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें डाउनग्रेड भी हो गई है। अभी मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर बात कर रही हूँ फ़ोन के कैमरास के बारे में, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ क्या बताना चाह रही हूँ। देखो, मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ यहाँ पर कैप्चर करे हैं, आप रियर साइड से जब फोटोज़ निकालोगे ना तो कलर कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस है, बट मुझे आज की तारीख में भी Neo 6 के कलर्स थोड़े से ज़्यादा बेटर लगे हैं क्योंकि थोड़े से वार्म टोन ये रखता है। लेकिन Neo 7 में भी क्या होता है, जब आप आर्टिफिशियल लाइट में फोटोज़ लोगे तो ज़्यादा बेटर एक्सपोजर किसी जगह पर ये बैलेंस कर लेता है, या फिर लो लाइट में भी जब फोटोज़ निकालते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से फोकस करके ज़्यादा बेटर डिटेल वगैरह कैप्चर कर लेता है। तो कुछ जगह पर ऐसा होता है कि Neo 6 बेटर निकल जाता है, कुछ जगह पर Neo 7 निकल जाता है। बेसिकली रियर कैमरा के हिसाब से आपका डिसीजन हैम्पर नहीं होगा, आप किसी की भी तरफ जा सकते हो। लेकिन जो डिफरेंस निकल के आता है ना यहाँ पर, वो है फ़ोन के सेल्फी कैमरा में। अभी Neo 6 को आए हुए आई केस आपको भी पता होगा, 8-9 महीने हो चुके हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस निकाल के देखोगे ना कंपैरिजन वाले, तो आपको अच्छे से ये चीज़ पता लग जाएगी। मैंने हर एक वीडियो में बोला हुआ है कि इसके सेल्फी कैमरा को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि इतनी अच्छी डिटेल्स नहीं रख पाता है, और वो इम्प्रूवमेंट इन्होंने Neo 7 में कर दिया है, जो मुझे देख के पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये प्रॉपर शार्प फोटो निकालता है, डिटेल्स अच्छी रखता है, तो Neo 7 उस मामले में सेल्फी में अच्छा है। लेकिन एक मेजर, काफ़ी मेजर डाउनग्रेड इन्होंने किया है, और वो है इनके वाइड एंगल लेंस में। मतलब यहाँ पर अच्छे बुरे की बात नहीं है, इन्होंने वाइड एंगल लेंस ही हटा दिया है फ़ोन से, वो भी एक 30,000 के स्मार्टफोन में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ऑफ है क्योंकि Neo 6 में भले 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस था, बट वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी कलरफुल और काफ़ी प्यारी फोटोज़ बेसिकली वाइड एंगल से निकाल पाते थे, जो कि आप Neo 7 में नहीं कैप्चर कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा मैं आपको उलझाऊंगी नहीं, मैं आपको सीधा सीधा एक चीज़ बोल सकती हूँ। देखो, अगर आपको सेल्फी कैमरा ज़्यादा प्रायोरिटी है ओवर दी वाइड एंगल लेंस, देन आप Neo 7 की तरफ जा सकते हो कैमराज के लिए। लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए जहां पर सेल्फी कैमरा भी आपको ठीक सा मिल जाए, रियर कैमरा भी अच्छा हो और वाइड एंगल का लेंस भी देखने को मिले, देन टू बी वेरी ऑनेस्ट Neo 6 ही फिर बेटर निकल के आता है। एनीवेज, अभी आते हैं हम हमारे सेकेंड पॉइंट पर। तो क्या सीन है ना, कैमराज में आपने देखा कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ जगह पे मेजरली डाउनग्रेड किया गया है, बट एटलीस्ट कुछ तो चेंजेस करे हैं ना वहाँ पर Neo 6 के कंपैरिजन में। बट कुछ तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई चेंजेस ही नहीं है, ना तो अपग्रेड किया गया है ना ही डाउनग्रेड किया गया है, जैसे कि फ़ोन के UI में। पहले भी जिस तरह का इमेच्योर सा UI था, अभी भी कहीं ना कहीं उसी तरह का UI हमें देखने को मिल रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, Neo 6 में Android 13 का अपडेट आ चुका है, फ्रंट टच OS 13 पर रन कर रहा है, एंड यहाँ पर ना क्या होता था, गूगल डायलर दे रखा है दोनों में ही। तो Neo 6 में क्या होता था, एक कोड डालकर हम इनका डिफॉल्ट डायलर को यहाँ पर एक्टिव कर सकते थे, लेकिन Neo 7 में वो भी काम नहीं करता है, और ऊपर से वही हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, जहाँ पर अलग अलग फालतू की एप्लीकेशन आपको सजेस्ट होती रहती है, अभी भी वो सेक्शन है यहाँ पर। तो मैं आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ वहाँ पर जाके फालतू की एप्लीकेशन मत डाउनलोड करना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी सिक्योरिटी आपके हाथों में है। और आपको भी पता है, कई सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, मीडिया, माइक, ना जाने कितनी परमिशंस लेके आपका डाटा ब्रीच कर देती है। कई बार क्लाउड स्टोरेज में वल्नरेबिलिटी आने की वजह से आपके नोटिफिकेशन से आपकी डिटेल एक्सपोज हो जाती है, या फिर आपके बैंक डिटेल्स डार्क वेब पर एक्सपोज हो जाते हैं। कई बार तो कुछ स्मार्टफोन कंपनी के जो चिपसेट्स होते हैं वही वल्नरेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स सम मालवेयर, एंड अगेन योर प्राइवेसी गोज टू द टॉस। अभी देखो, इस इंटरनेट एरा में आपका डाटा ब्रीच होना, वायरस, मालवेयर, रैनसमवेयर अटैक होना, या फिर फिशिंग ईमेल्स
मिलना, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। एंड ट्रस्ट मी, नो वन गोइंग टू हेल्प यू अनटिल अनलेस आप खुद इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो और आपको पता हो कि इन साइबर क्राइम्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। सो एज आई ऑलवेज से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप भी बेसिकली अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो NPAV की नेट प्रोटेक्टर मोबाइल सिक्योरिटी से, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ में मिल जाएगी। और ये आपको एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, SMS, ईमेल में प्रोटेक्शन देना या फिर आपकी पेमेंट्स को सिक्योर रखना, वो काम तो ये करेगा ही करेगा, बट साथ ही में आपके फ़ोन की रैम को बूस्ट करना, जो भी इधर उधर की डुप्लीकेट फाइल्स हैं उनको हटा के आपके फ़ोन में स्पेस को एनालाइज करना, वो सारे काम भी ये करेगा। तो डेफिनेटली आप NPAV की मोबाइल सिक्योरिटी को चेकआउट कर सकते हो, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी NPAV प्रोवाइड्स अदर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आल्सो, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो इनकी वेबसाइट पर जाकर। खैर, अभी हम आते हैं वापस से हमारे वीडियो पर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, कुछ जगह पे बिल्कुल चेंजेस नहीं करे हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको UI बता दिया, दूसरा इनकी फोन की बिल्ट भी बिल्कुल सिमिलर है। आप इन दोनों फोन को देख के बिल्कुल नहीं बता सकते कौन सा Neo 6 है कौन सा Neo 7 है, इतने ज्यादा सिमिलर ये दोनों फील होते हैं, इतने ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। कैमरा मॉड्यूल सेम है, बैक पैनल वही प्लास्टिक मैट फिनिश के साथ आता है, बट Neo 7 थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी इसके अलावा एक और चीज बिल्कुल सिमिलर है, जिससे मैं डिसअपॉइंट थी, Neo 6 में भी NFC का सपोर्ट नहीं दे रखा था और अभी भी इन्होंने Neo 7 में NFC का सपोर्ट नहीं दिया है 30,000 की प्राइस में। बाकी देखो, यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। तो ऐसा नहीं है कि Neo 7 बिल्कुल ही बर्बाद स्मार्टफोन है, कुछ जगह पर एक्चुअली में अच्छे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन इसमें भी ना मेरा एक पॉइंट है जो मैं बताऊंगी आपको आगे चल के, बट अभी फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की वीडियोज के लिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना। तो अब मैं आती हूँ कि क्या क्या चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुआ है। पहला तो है फोन के स्पीकर्स में। Neo 6 के स्पीकर्स को लेके मैंने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करी है अपने प्रीवियस वीडियोस में, फाइनली वो इम्प्रूव हो गए हैं, थोड़ी बेटर तरह की मतलब साउंड क्वालिटी भी है और थोड़े से ज़्यादा लाउड भी है। दूसरा किया गया है बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट में। Neo 6 जो है वो 4700mAh की बैटरी के साथ आता था, 80W चार्जर के साथ। ऑल्दो मुझे यहाँ पर भी कोई भी कंप्लेन नहीं थी, लेकिन Neo 7 में इसको इम्प्रूव किया गया है, ये 5000mAh की बैटरी के साथ आता है, 120W चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है, जिसकी हेल्प से ये बैटरी 0 to 100% 28 to 30 minutes में फुल चार्ज हो जाती है। एक और इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो है इसकी डिस्प्ले में। ये कोई मेजर अपग्रेड नहीं है वैसे तो, लेकिन जैसे आप दोनों फोन की डिस्प्लेस को देखोगे ना, आपको साफ दिखने में फ्रंट से पता लग जाएगा कि Neo 7 की डिस्प्ले में बेजल्स वगैरह ना और ज़्यादा स्लिम कर दिए। बाकी अगर आप जैसे वीडियो कंटेंट भी देख रहे हो ना, तो ज़्यादा बेटर कलर्स के मामले में मुझे Neo 7 लगा है यहाँ पर, मेजर नहीं बट थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पर पता लगेगा। और हाँ, एक और 5G के मामले में, Neo 6 सिर्फ 4 5G बैंड के सपोर्ट के साथ आता था, जबकि Neo 7 में आपको 8 5G बैंड्स का सपोर्ट दे रखा है। लेकिन जो मैंने आपको बोला था कि क्या दिक्कत है ना, कि ये कुछ भी ऐसे इंप्रूवमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से मेरा बाइंग डिसीजन हैम्पर हो जाए, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि नहीं यार, Neo 6 तो बेकार हो चुका है, अभी मुझे Neo 7 की तरफ जाना चाहिए। नहीं, ये मेरे डिसीजन को डेफिनेटली हैम्पर नहीं करेंगे। एनीवेज, अभी नेक्स्ट हमारे फोर्थ पॉइंट पर अगर आए, तो आप लोग बोलोगे कि यार ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस में तो मेजर इंप्रूवमेंट किया गया है। आई अग्री काइंड ऑफ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। क्योंकि देखो, Neo 7 में सही बात है Dimensity 8200 एक 4nm पर बेस्ड प्रोसेसर हमें देखने को मिल रहा है। Neo 6 में भी कोई कमजोर प्रोसेसर नहीं है, Qualcomm Snapdragon 870 वन ऑफ द स्टेबल प्रोसेसर स्नैप Qualcomm की तरफ से वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ये 7nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मैंने दोनों के अंतुतु वगैरह भी यहाँ पर निकाल के देखे, करीब 100,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन ये तो वो हो गया जो ऑन पेपर आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी जब मैंने दोनों फोन की टेस्टिंग करना शुरू किया ना, तो वहाँ पर क्या था, जब CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया तो यहाँ पर Dimensity 8200 चिपसेट हल्का फुल्का थ्रॉटल हो रहा था, ऑल्दो स्कोर्स इसके ज़्यादा थे, बट स्टिल थोड़े येलो चिप्स वगैरह मुझे देखने को मिले यहाँ पर। बट इस चीज़ को मैं इतना माइंड नहीं करूँगी, ये तो बस मैंने आपको बता दिया। मैंने यहाँ पर वीडियो एडिट करके उसको रेंडर भी किया और यहाँ पर मुझे काफ़ी मेजर डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ पर Neo 6 ने काफ़ी फास्ट वीडियो रेंडर कर दिया, जब ये 60% पर था तो ये 100% मतलब पूरा वीडियो रेंडर कर चुका था, बट ये भी
ऑलरेडी ये हो गया कि यार हम हर कोई वीडियो रेंडर नहीं करता, आप तो बेसिक काम करोगे या फिर गेमिंग वगैरह करोगे, तो वहाँ पर दोनों फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ पर मुझे कोई डिफरेंस नहीं समझ में आया है कि कौन सा नियो 6 है कौन सा नियो 7 है। तो ऑन पेपर जो डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना कि नियो 7 में मेजरली अपग्रेड हुआ है, मैं अपने सेंसेस में बोलूँगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों फ़ोन इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मैं दोनों को बिल्कुल सेम लेवल पर ही यहाँ पर रखूँगी। तो अभी लास्ट हम आते हैं हमारे 5th पॉइंट पर और मेरे फाइनल ओपिनियन पर कि आखिर मैंने क्यों आपको शुरुआत में बोला था डोंट बाय आईक्यू नियो 7 ओवर दी आईक्यू नियो 6। देखो मैं सबसे पहले ना एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जो आईक्यू नियो 7 है ना, ये बुरा स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। बट दिक्कत वाली बात पता है क्या, कि आईक्यू नियो 6 अगर आपके पास ऑलरेडी है ना, तो आपको इस पर अपग्रेड करने की पहली बात तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक सक्सेसर से जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करके रखते हैं, वो उस तरह की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई है। जैसे कि रेडमी शाओमी पोको करता है ना, एक ही फ़ोन बस दूसरे नाम से अलग ब्रांड में लॉन्च कर देता है, कहीं ना कहीं ये उसी तरह का स्मार्टफोन इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब नियो 6 की तरह ही सिमिलर बना दिया है बिल्कुल। और जब भी सेल वगैरह आती है आप खुद देखो कि 30,000 की डिवाइसेज है लेकिन नियो 6 ना 26,000 तक की प्राइस में मिल जाता है, तो आप क्यों ही फिर चूज़ करोगे 30,000 में नियो 7 को, जबकि नियो 6 आपको 26 तक भी मिल जाता है। तो बाकी तो यार आप खुद समझदार हो, मैंने पूरी वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बता ही दिया है। आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।